नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, गाल पर तिल वाले होते हैं धनवान, इनसे जाने अपने भविष्य के राज। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से भविष्य के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के चिन्हों या लक्षणों के आधार पर व्यक्ति के बारे में काफी कुछ बताया गया है। इसी तरह व्यक्ति के शरीर पर पाए जाने वाले तिलों के माध्यम से भी भविष्य के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। बता रहे हैं तिल से जुड़े कुछ खास रहस्यों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि शरीर के चिन्हों का आपके स्वभाव और भविष्य पर क्या प्रभाव होता है और जीवन में कौन सी चीजें आपको प्रभावित कर सकती हैं। इन चिन्हों में तिल, मत्स्य और अन्य विशेष आकृतियां भी पाई जाती हैं। तिलों के माध्यम से व्यक्ति के अच्छे और बुरे हर तरह के स्वभाव को समझा और जाना जा सकता है। कहते हैं कि चेहरे पर तिल होने के अलग अलग अर्थ होते हैं। चेहरे पर पाए जाने वाले तिलों का सीधा संबंध आपके भाग्य से होता है। अगर आपके गालों पर तिल है तो ये आपकी आकर्षण क्षमता को मजबूत करता है। ऐसे लोग आकर्षक होने के साथ बहुत ही धनवान होते हैं। नाक पर तिल का होना व्यक्ति को बहुत ही अनुशासित बना देता है, लेकिन इसकी वजह से आपके जीवन में संघर्ष बढ़ता चला जाता है। होंठ के ऊपर तिल वाला व्यक्ति लोगों में काफी लोकप्रिय होता है, हालांकि ऐसे लोग चुनिंदा लोगों को ही अपना मानते हैं। जिन लोगों के नाक के नीचे तिल होता है ऐसे लोग कम लोगों के साथ घुल ना मिलना पसंद करते हैं। माथे पर तिल का होना बताता है कि शुरुआत में संघर्ष करने के बाद आप धनवान हो सकते हैं। होंठों पर तिल होने का अर्थ है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेमी स्वभाव का है। ऐसे लोगों के एक से ज्यादा लोगों के साथ प्रेम संबंध होते हैं। हाथ में अगर बीचों बीच तिल हो जो किसी पर्वत पर ना हो तो ये संपन्नता देता है। अगर पर्वत पर या उंगलियों पर तिल है तो ये दुर्भाग्य का कारण बनता है। तिल जिस पर्वत पर होता है उस पर्वत को खराब करता है और जिस उंगली पर होता है उस ग्रह को कमजोर करता है। इसके अलावा हथेलियों के पीछे की तरफ तिल वाले व्यक्ति बहुत आलसी किस्म के होते हैं। सीने पर तिल वाले व्यक्ति को पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। परिवार के लोगों के साथ तालमेल को लेकर दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। पैरों के तलवे का तिल व्यक्ति को हमेशा घर से दूर ले जाता है। पैरों के तलवे पर तिल होने से जीवन में बड़ी सफलता देता है। पेट पर तिल होने का मतलब है कि व्यक्ति बहुत धनवान है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। काले तिल के अलावा शरीर पर लाल तिल भी होते हैं। लाल तिल शरीर में आमतौर पर बहुत ही कम पाए जाते हैं। लाल तिल संपन्नता और दुर्भाग्य दोनों का प्रतीक होते हैं। अगर लाल तिल चेहरे पर होता है तो ये व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में दुर्भाग्य लाता है। भुजाओं पर लाल तिल का होना आर्थिक मजबूती लाता है। सीने पर लाल तिल होने का अर्थ है कि व्यक्ति की विदेश जाकर धन कमाने की संभावना बन जाती है। अगर लाल तिल पीठ पर हो तो सेना या साहस के क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसे लोग आर्मी आदि के क्षेत्र में अपने शौर्य के लिए बड़ी सफलता हासिल करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।